भारतीय हवामान विभागे बंगाल की खाड़ी में नीचाण दबाण वाला विस्तार की रचना बाद ओडिशा दरिया कांठाना विस्तारों में 45 किलोमीटर प्रति कलाक थी 65 किलोमीटर प्रति कलाक की झड़पे पवन फूंकावानी आगाही करी छे। तेमाथी एक गंभीर चक्रवात में परिवर्तन थवानी पण संभावना छे। हवामान विभाग एक अधिकारी कहू है बंगाल की खाड़ी पर नीचा दबाण क्षेत्र रचायु जो बाद में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन में फेरवाशे। साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अभी अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक बन चुकी हुई है और इसका जो मोशन है ये लाइकली टू मूव करेगा वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड और इंटेंसिफाई होने के चांस है अगले 6 घंटे में डीप डिप्रेशन के रूप में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर। फिर उसके बाद ये जो सिस्टम मूव करेगा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करेगा और फर्दर इंटेंसिफाई होने के इसके चांसेस हैं डीडी में डीप डिप्रेशन बनने में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल ऑफ आंध्र प्रदेश कोस्ट ऑन 16 नवंबर के आसपास। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये जो सिस्टम है रिकर्व करेगा और ये इसकी जो डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड की तरफ मूव करेगा। फिर ये सिस्टम नॉर्थ वेस्ट बे बंगाल ऑफ उड़ीसा कोस्ट 17 तारीख के लगभग पहुंचेगा। तो इससे रिलेटेड जो हमारी वार्निंग रहेगी वो 16-17 तारीख को मेन जो हैवी रेनफॉल के वार्निंग रहेगी। आईएमडी ना वैज्ञानिकों ए कह्यु छे दक्षिण पूर्व बंगाल नी खाड़ी ने अड़ी ने आवेल आंदामान निकोबार टापुओं पर नीचाण दबाण वाला विस्तारों में 16 नवंबर ना रोज आंध्र प्रदेश ना दरिया कांठे पश्चिम बंगाल नी खाड़ी में डिप्रेशन में फेरवाई ते पहला उत्तर तरफ आगळ वधवानी शक्यता छे। તેમણે કહ્યું પાછળથી તે ફરીથી ઉત્તર ઉત્તર પૂર્વ તરફ વળશે અને 17 નવેમ્બરે ઓડિશાના કિનારે ઉત્તર પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં પહોંચશે। આઈએમડીએ કહ્યું છે જ્યારે નીચા દબાણનો વિસ્તાર ચક્રવાતી તોફાનમાં તીવ્ર બને છે અને ડિપ્રેશનમાં ફેરવાય છે ત્યારે તેને મિથિલી કહેવામાં આવશે। ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा दो कुछ स्टेशन है जहाँ एक दो स्थानों पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है वो भी कोस्टल उड़ीसा में। उसके अलावा इसमें जो फिशरमैन को मेन है फिशरमैन का हम लोगों ने 15-17 तक अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट के लिए ऑलरेडी वार्निंग दे रहे हैं वो कंटिन्यू रख रहे हैं। फिशरमैन की मनाही है कि वो इस उड़ीसा अलोंग एंड ऑफ कोस्ट रीजन में फिशिंग के लिए ना जाए। आईएमडीए मछीमारों ने आगामी सूचना सुधी 15-17 नवंबर सुधी दरिया में न जवा सूचना आपी छे। हवामान विभागे 15 नवेम्बरे ओडिशाना केटलाक दरिया कांठाना जिल्लाओमां हळवाथी मध्यम वरसादनी आगाही करी छे। तीव्रता वधवानी शक्यता होवानुं पण अनुमान छे। 16 नवेम्बरे छूटा छवाया स्थळोए भारे वरसाद पड़शे। डाउन टू अर्थ अनुसार हवामान शास्त्रीओए कह्युं छे के एक चक्रवाती परिभ्रमण जोयो छे ते बंगाळनी खाड़ीना दक्षिण पश्चिम भागोमां आवेलुं छे। ब्यूरो रिपोर्ट गुजरात तक।